रास्ते तक इंसान गुनाह करता है, एक घड़ी के लिए उस रब के दरबार पे आ जाए, आकर दो आंसू बहाना इस रब, इस बंदे का काम है माफ करना उस रब का काम है। क्या खून कहा हमने किए गुनाह, उसने न की पकड़, कितने बड़े हौसले हैं परवरदिगार। तो रब हर घड़ी माफ करता है। आज की ये महफिल हजरत है गुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से पर्दा कर लेंगे, हमें जो है ये नमय फिक्रिया दे के चले गए। जिंदगी गुजारनी है तो मोहम्मदी बन के गुजारनी है। कैसा मोहम्मदी बनना है, आओ मुख्तसर सी बात कह के बात खत्म करके हजरत हजारवी साहब को दावत देने लगा हूँ। मोहम्मदी कैसा बनना है, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह में मौजूद है, इशारा होता है बायजीद फलां जगह पे एक ईसाई अपनी तकलीर कर रहा है, जा उससे जाके मुकालमा कर, उससे जाके बात कर। बायजीद बुस्तामी जिस वक्त उस ईसाई की उस महफिल में पहुँचते हैं तो ईसाई की जबान बंद हो जाती है। बायजीद बुस्तामी की वजह से बायजीद बुस्तामी कौन है, ये तो मोहम्मदी है, ये माता भी मोहम्मदी, चेहरे पे सुन्नत रसूल सजाई हुई है, सर पे अमामा शरीफ बांधा हुआ है। बायजीद बुस्तामी के सुनियों को देख कर ईसाई खामोश हो जाता है। अरे ईसाई क्या खामोश हुआ, लोगों ने कहा आप बोलते क्यों नहीं, ईसाई ने कहा मेरी जबान बंद हो गई है, इस मजमे में कोई मोहम्मदी आ गया तो उन्होंने कहा आप बताइए हम उसको निकालते हैं। चुनाची उसने कहा नहीं नहीं निकालना नहीं है, मेरे साथ उसकी बात होगी, मुनाजरा होगा, अगर मुनाजरे में वो पास हो गया उसकी जान बख्शी जा सकती है, अगर पास ना हुआ फेल हुआ तो सजा देनी है दे देना। चुनाचे अल्लाह का वास्ता देकर बायजीद बुस्तामी को खड़ा किया गया। बायजीद बुस्तामी उठ के खड़े हुए, ईसाई ने कहा मैं सवाल करता हूँ तूने जवाब देने हैं, जवाब ना दिया तुझे सजा मिलेगी। बायजीद बुस्तामी कहने लगे एक सवाल आखिर में मेरा भी होगा, तूने भी जवाब देना होगा। ईसाई कहता है हाँ मैं भी जवाब दूंगा। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं अच्छा सवाल कर। तो ईसाई सवाल करता है वो बता जो कायनात में एक है दूसरा नहीं है। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं रब एक है, रब के दास साथ कोई दूसरा रब नहीं है। ईसाई सवाल करता है वो बता जिसका तीसरा नहीं। बायजीद फरमाते हैं अल्लाह और रसूल ये आखिरी नबी, ये दो है तीन नहीं है। ईसाई सवाल करता है तीन बता जिसके चार न हो। तो बायजीद फरमाते हैं दो कलम कुर्सी, ये तीन है चार नहीं है। ईसाई सवाल करता है चार बता जिसके पांच न हो। बायजीद फरमाते हैं जो है चार जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किए कुरान मजीद कुरान इंजील और ज़बूर, पांच नहीं है। फिर सवाल किया पांच बता जिसके छह न हो। जवाब देते हैं पांच नमाजें हैं छह नहीं है। सवाल किया छह बता जिसके साथ न हो। अल्लाह ने छह दिनों में जमीन और आसमान को पैदा किया। फिर सवाल किया सात बता जिसके आठ न हो। जवाब दिया सात आसमान है आठ नहीं है। फिर सवाल किया आठ बता जिसके नौ न हो। फरमाया अरश को थामने वाले फरिश्ते आठ हैं नौ नहीं है। फिर सवाल किया नौ बता जिसके दस न हो। जवाब दिया सारे अलैहि सलाम की उठनी नौ बाकी हमला थी दस की नहीं। फिर सवाल किया दस बता जिसके ग्यारह न हो। जवाब दिया दिल का अशरतुल कामिला हज से वापसी के बाद दस रोजे रखने हैं ग्यारह नहीं। फिर सवाल किया ग्यारह बता जिसके बारह न हो। जवाब दिया यूसुफ अलैहि सलाम को सजदा करने वाले वो चांद सूरज सितारे ग्यारह थे बारह नहीं थे। सवाल किया बारह बता जिसके तेरह न हो। जवाब दिया साल के बारह महीने हैं तेरह नहीं है। सवाल किया तेरह बता जिसके चौदह न हो। जवाब दिया ग्यारह भाई सूरज और चांद ये तेरह लोग थे जिन्होंने यूसुफ अलैहि सलाम को सजदा किया चौदह न थे। सवाल किया चौदह बता जिसके पंद्रह न हो। जवाब दिया जमीन साथ आसमान साथ ये चौदह हो गए पंद्रह नहीं है। सवाल करता गया जवाब मिलते गए करता गया जवाब मिलते गए। फिर सवाल किया बेजान चीज है सांस ले रही है। जवाब दिया बस सुबह इदा तनफ्फस सुबह की कसम जब वो सांस लेती है। फिर सवाल किया ऐसी चीज बताओ कि जो जो है